एवरीवन वेलकम बैक टू ए चैनल। तो कैसे हो आप, आई होप आप सब ठीक होंगे। सो आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हो वॉकराउंड रिव्यू ऑफ ऑल न्यू हीरो मैवरिक 440। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस दिस इज ऑल न्यू हीरो मैवरिक 440। सो यार लुक्स देखो आप, कितनी बढ़िया लुक्स बनाई गई हैं। सो इसका वॉकराउंड रिव्यू स्टार्ट करते हैं। फ्रंट से स्टार्ट करेंगे तो फ्रंट में कुछ इस तरह से लुक्स आ जाती हैं, काफ़ी बढ़िया लुक्स आ रही हैं इसकी। और सबसे पहले इसके कलर वेरिएंट की बात करेंगे तो ये जो कलर वेरिएंट है ये एनिग्मा ब्लैक है, टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है। और इसी के साथ आपको इसमें एक और ब्लैक कलर मिल जाता है, फैंटम ब्लैक। उसमें चेंजेस क्या क्या हैं, यहाँ पे ये कलर चेंज हो जाएगा और उसमें ये ब्राउन सीट नहीं आती है, ये ब्राउन एंड ब्लैक का कॉम्बो नहीं आएगा, उसमें आपको फुल ब्लैक कलर ही मिलेगा। फ्रंट से स्टार्ट करेंगे तो फ्रंट में कुछ इस तरह से आपको हेडलाइट मिल जाती है, ऑल LED आपको हेडलैम्प मिलने वाला है। LED हेडलैम्प के साथ साथ आपको यहाँ पे DRL कुछ इस तरह से शेप में मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया लगता है। और उसी के साथ यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी मिल रहा है, सो LED प्लस प्रोजेक्टर आपको मिल जाता है। सो पास जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा, कुछ इस तरह से क्वालिटी मिलने वाली है, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी मिलती है। आई होप रात को भी काफ़ी अच्छी रहेगी। यहाँ पे आपको LED विंकर्स यहाँ पे मिल जाते हैं, उसी के बीच में यहाँ पे हीरो का यहाँ पे लोगो दिया गया है। उसी के बाद यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं। और एक और मैं बढ़िया बात यहाँ पे आपको बताता हूँ कि फुल मेटल बॉडी आपको मिलने वाली है, मेटल बॉडी काफ़ी ज़्यादा दी गई है इसमें। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको बाकी बाइक्स में यहाँ पे आपको दिखता था कि फेंडर आपको फाइबर यूनिट मिलते थे, लेकिन इस बाइक में आपको मेटल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे फ्रंट टायर की बात कर लेते हैं तो फ्रंट टायर इसमें आपको मिल जाता है 110/70/17। सो फ्रंट आपको रेडियल टायर नहीं मिलता है इसमें, क्रॉस प्लाई टायर मिल जाता है इसमें। फ्रंट डिस्क की बात करेंगे तो फ्रंट डिस्क इसमें आपको मिल जाती है 320 mm की, और आपको वाइब्रे के ब्रेक कैलिपर मिल जाते हैं, तो ब्रेकिंग पावर काफ़ी अच्छी रहने वाली है। और उसी के साथ यहाँ पे बात करेंगे अलॉय व्हील की, तो अलॉय व्हील आपको टॉप मॉडल में डायमंड कट अलॉय व्हील मिल जाता है। सो ये आपको यहाँ से विजिबल नहीं होगा, मैं इस साइड से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं टॉप मॉडल में। एंड यहाँ पे आप स्टिकर देख रहे होंगे तो यहाँ पे स्टिकर ये दिया गया है ABS का, तो ABS इसमें आपको डुअल चैनल ABS मिल जाता है, फ्रंट में भी ABS मिल जाएगा और रियर में भी ABS मिल जाएगा। सो इंजन स्पेक्स की बात कर लेते हैं तो मैवरिक 440 में आपको मिल जाता है 440cc का सिंगल सिलेंडर HOHC 2-valve इंजन, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 27 bhp की एंड 36 Nm टॉर्क। सो पावर फिगर्स काफ़ी बढ़िया मिल रहे हैं इसमें, और यार बहुत ही बढ़िया यहाँ पे बेसी इंजन इसमें मिलता है। सो इसका एग्जॉस्ट नोट भी मैं आपको सुना दूंगा, बहुत ही बढ़िया लगा मेरे को ये। और ये आपको इंजन जो मिलेगा ये एयर कूलिंग के साथ साथ यहाँ पे ऑयल कूल भी मिल जाता है। यहाँ पे आपको रेडिएटर दिख रहा होगा, सो कुछ इस तरह से रेडिएटर मिलता है और सिंगल हॉर्न मिल जाता है इसमें। लुक्स काफ़ी बढ़िया बनाई गई है इसमें, और जो मैं आपको बता रहा था मेटल यहाँ पे आपको पार्ट मिल जाएंगे हर जगह, क्वालिटी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी इसकी। टैंक में आपको यहाँ पे मैवरिक 440 का यहाँ पे 440 का स्टिकर मिल जाता है, और मैवरिक का यहाँ पे 3D एम्बलम मिल जाता है। हीरो का भी स्टिकर वर्क आपको हर जगह मिल जाएगा इसमें। देखने में तो थोड़ा सिंपल लग रहा है ये, लेकिन इसका जो एग्जॉस्ट नोट है वो बहुत ही बढ़िया लगा मेरे को, काफ़ी बेसी यहाँ पे आपको साउंड मिलती है इस 440cc मैवरिक में। रियर टायर की बात कर लेते हैं तो रियर टायर इसमें आपको मिल जाता है 150/60R17। सो इसमें आपको रेडियल टायर मिल रहा है रियर में, और 150 थिकनेस में आता है तो काफ़ी ब्रॉड लगता है ये। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी ब्रॉड यहाँ पे आपको टायर मिलने वाला है। एंड रियर डिस्क की बात करेंगे तो रियर डिस्क इसमें आपको मिल रही है 240 mm की, वाइब्रे के ब्रेक कैलिपर मिल रहे हैं, एंड डुअल चैनल ABS के साथ आता है ये। टेल लैम्प आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगा, सिग्नेचर आपको हीरो का टेल लैम्प मिल जाएगा, LED में आएगा फुल। यहाँ पे आपको हीरो का टेप वर्क देखने को मिल जाएगा। इंडिकेटर आपको इसमें LED में मिल जाते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, काफ़ी बढ़िया प्लेसमेंट की गई है इसमें। यहाँ पर नंबर प्लेट लग जाएगी, नंबर प्लेट लाइट वाइट में दी गई है, और रिफ्लेक्टर। इस साइड से बात करेंगे तो यहाँ पे आपको साड़ी गार्ड मिल जाता है विद लेडीज़ फुट रेस्ट। की बात करेंगे तो गेयरबॉक्स इसमें आपको मिल रहा है 6-speed गेयरबॉक्स, एंड यहाँ पे आपको एक्सटोर की यहाँ पे बैजिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पे रियर में आपको ग्रैब रेल कुछ इस तरह से मिल जाएगी, ये भी आपको फुल मेटल में मिलेगी, और यहाँ पे फिनिशिंग काफ़ी बढ़िया से यहाँ पे दी गई है। हीरो की बैजिंग यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगी। सीट की बात करेंगे तो सिंगल यूनिट यहाँ पे आपको सीट मिल जाएगी, कुशनिंग अच्छी खासी दी गई है इसमें, बहुत ही ज़्यादा मैं प्रीमियम नहीं बोलूँगा लेकिन ठीक ठीक आपको यहाँ पे कुशनिंग मिल रही है। एंड डुअल कलर में यहाँ पे मिलेगी आपको इसमें, एंड उसी के साथ यहाँ पे अंडर सीट स्टोरेज आपने यहाँ एक्सेस करनी हो तो कुछ इस तरह से यहाँ पे की आपको लगानी पड़ेगी अंडर सीट स्टोरेज यहाँ पे एक्सेस करने के लिए।
और यहाँ पे आपको बैटरी यूनिट अगर देखना हो तो बैटरी यूनिट भी सीट के यहाँ पे बनाई गई है, प्लेसमेंट इस साइड दी गई है। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करेंगे तो वो आपको इसमें 13.5 लीटर की मिल जाती है, जो कि डिसेंट आपको यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल रही है इसमें। हैंडल बार की बात कर लेते हैं तो हैंडल बार कुछ इस तरह से मिल जाएगा, काफ़ी बढ़िया यहाँ पे हैंडल बार मिल जाता है इसमें। ब्रॉड आपको हैंडल बार मिलेगा, जैसे हीरो में आपको, हीरो और हार्ले का आपने बाइक देखी होगी 440X, तो वैसे ही आपको यहाँ पे हैंडल बार कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है ब्रॉड। स्विचेस की बात करेंगे तो स्विच यहाँ पे लेफ्ट साइड यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको हीरो का लोगो एनग्रेव्ड यहाँ पे मिल जाता है। हाई बीम लो बीम एंड पास का स्विच आपको यहाँ पे सिंगल स्विच ही देखने को मिल जाएगा। इंडिकेटर स्विच मिल जाता है और उसी के नीचे हॉर्न, सो सिंगल हॉर्न यहाँ पे मिल रहा है, वो मैं आवाज़ सुना देता हूँ आपको। कुछ इस तरह से आपको हॉर्न की आवाज़ मिल जाती है, काफ़ी लाउड हॉर्न यहाँ पे मिल जाएगा आपको। राइट साइड देखेंगे तो राइट साइड यहाँ पे आपको इंजन किल स्विच एंड सेल्फ स्टार्ट का सिंगल स्विच ही देखने को मिल जाएगा। नीचे SOS यहाँ पे एमरजेंसी वाला यहाँ पे बटन मिल जाता है आपको। उसी के साथ ये आपको हज़ार लाइट का स्विच मिल जाएगा, सो ये मैंने ऑन किया हुआ है तो ये आप देख सकते हो। सो ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी दी गई है इसमें। सो अभी इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर लेते हैं तो अभी मैंने बंद कर लिया है। की देख लो तो की कुछ इस तरह से मिल जाएगी, अच्छी की यहाँ पे प्रोवाइड की गई है इसमें। सो ऑन करने पे कुछ इस तरह से यहाँ पे एनिमेशन शो होता है। टेलटेल लाइट्स आप देखोगे तो ऊपर और नीचे टेलटेल लाइट्स मिल जाएंगी। बीच में जो ये हीरो का यहाँ पे लोगो दिखता है ये भी आपको ग्लो में मिल जाता है, मतलब ये ग्लो करेगा, काफ़ी बढ़िया लगता है देखने में। सेंटर में आप देखोगे तो सेंटर में कुछ इस तरह से नेगेटिव डिस्प्ले के साथ आता है ये। टैकोमीटर यहाँ पे मिल जाएगा आपको, स्पीडोमीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर यहाँ पे मिल जाएगा, और उसी के नीचे यहाँ पे ये ट्रिप बी यहाँ पे शो कर रहा है, तो ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे अभी एवरेज शो कर देगा, रेंज, ओडोमीटर एंड ट्रिप ए, ट्रिप बी। सो कुछ इस तरह से यहाँ पे ये शो कर देता है। और राइट साइड आप देखोगे तो राइट साइड नीचे आपको क्लॉक दिख रही है, और उसी के यहाँ पे रेडियल में आपको यहाँ पे फ्यूल गेज दिख जाएगा, और उसी के साथ ये जो आपको एम्प्टी स्पेस मिल रही है यहाँ पे ब्लूटूथ आप कनेक्ट करोगे तो वो आपको फीचर एक्सेस कर पाओगे, और उसी के साथ यहाँ पे डायरेक्शन भी शो कर देगा। सो कुछ इस तरह से आपको ये छोटा सा यहाँ पे इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है। हैंडल बार के हिसाब से ये छोटा सा यहाँ पे लगाया तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, अपीलिंग लुक्स देता है ये। और रेट्रो फिनिश देने के लिए यहाँ पे ये देखो आपको राउंड यहाँ पे RPMs मिल जाते हैं, और RPM की मैं साइज़ की बात करूँ तो साइज़ काफ़ी बड़ा यहाँ पे दिया गया है। रियर का आपको अच्छे से यहाँ पे व्यू मिलने वाला है। सो अभी इसका एग्जॉस्ट नोट मैं सुना देता हूँ आपको, तो एग्जॉस्ट नोट अभी सुन लेते हैं इसका कैसा रहता है। कुछ इस तरह से यहाँ पे एग्जॉस्ट नोट मिल जाता है आपको, मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा है इसका एग्जॉस्ट नोट। बेसिक आपको यहाँ पे एग्जॉस्ट मिल रहा है, सो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। जैसे अभी माइलेज की बात कर लेते हैं तो माइलेज इसमें कंपनी क्लेम करती है अराउंड 30 किलोमीटर पर लीटर, लेकिन आपको 25 के अराउंड आराम से आपको इसमें माइलेज मिल जाएगी। और यार इंजन इतना बढ़िया दिया गया है तो 25 की माइलेज भी मिल जाए तो काफ़ी अच्छी है इसमें। और उसी के साथ अभी प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो इसका टॉप ऑफ द लाइन मॉडल का जो प्राइस आपको पड़ेगा जम्मू में ऑन रोड अराउंड 2.70 आपको पड़ेगा, 2,70,000 के आसपास। सो ये वेरी कर सकता है प्लेस टू प्लेस, सो शोरूम में आके आप पता कर सकते हो। और यहाँ पे आप जम्मू में हो तो जम्मू में आप तभी ऑटोमोबाइल्स में यहाँ पे आ सकते हो जो कि डिगाना में है। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मैंने आपके साथ सभी चीज़ें डिस्कस की। सो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।